सीबीआई के छापे डलवाए जाते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जिनकी जिनके शिक्षा के क्षेत्र में पूरे दुनिया में नाम हो रहा है, उनके दफ्तर से सीबीआई के छापे डलवाए जाते हैं, 8-8 घंटे तक उनसे सीबीआई पूछताछ करती है। स्वास्थ्य मंत्री जिनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अमेरिका तक में चर्चा में है, उसके यहां सीबीआई के छापे डलवाए जाते हैं। 15-15 हमारे विधायकों को गिरफ्तार किया गया झूठे आरोपों में। कभी अखिलेश पति त्रिपाठी के मामले में कोर्ट कहता है गलत एफआईआर की, कभी कमांडो सुरेंद्र के मामले में कहता है गलत एफआईआर की, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई पे कार्रवाई, और कार्रवाई इस हद तक, नफरत इस हद तक, विधायकों के खिलाफ कार्रवाई इस हद तक कि हमारे एक विधायक सोमनाथ भारती के कुत्ते को पकड़ने लिए 40 दिल्ली पुलिस के जवान जाते हैं। दिल्ली में बलात्कार की घटना हो, अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। हत्या की घटना हो, डकैती की घटना हो, चोरी की घटना हो, अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का झंडा आपने उठा लिया तो आपको पीट कर लहूलुहान करके जेल में डाल दिया जाएगा। यह बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा है। क्या गुनाह है हमारा? हम स्कूल के लिए जमीन मांगते हैं, जमीन नहीं देते। हम अस्पताल के लिए जमीन मांगते हैं, जमीन नहीं देते। हम कोई भी काम, हम 40 सेवाओं को जनता के घर में पहुंचाना चाहते हैं, हमको वो फाइल रोक दी जाती। हमारा ये गुनाह है कि हम दिल्ली की जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिजली का दाम हमने आधा किया, पानी मुफ्त किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हम काम कर रहे हैं। हमारा ये गुनाह है कि हमने कहा कि दिल्ली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा इलाज फ्री होगा। क्या किस बात को लेकर यह नया प्रकरण खड़ा हुआ है, जिस बात पर इतना बवाला खड़ा किया जा रहा है? क्या गुनाह है हमारा? हमने सिर्फ यही कहा कि जिस प्रकार से झारखंड में कोयला देवी की बेटी संतोषी की भात भात कह के मौत हो गई, दिल्ली में ऐसा ना होने पाए। 2.5 लाख परिवारों को, लगभग 10 लाख लोगों को, 2.5 लाख परिवारों को, 2.5 लाख लोग इस राशन ना वितरण होने से अफेक्टेड है पिछले 2 महीने से। यही तो नियम आधार से लिंक करने वाला झारखंड में था, जिसके कारण एक बच्ची की मौत हो जाती है 11 साल की, जिस पर मीडिया इतनी रिपोर्टिंग करती है। आज अगर भूख से किसी की मौत दिल्ली के अंदर हो जाएगी तो कोई मुख्य सचिव अंशु प्रकाश जी से सवाल करने नहीं जाएगा, मुझे मालूम है कोई एलजी साहब से सवाल करने नहीं जाएगा। सारी की सारी मीडिया, पूरी दिल्ली की जनता, सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही सवाल करेंगे, अरविंद केजरीवाल के रहते हुए, आम आदमी पार्टी के रहते हुए यहां भूख से मौत हो गई। हमने उसी पीड़ा को सामने रखने की कोशिश की और उस पर क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय कहते हैं अरे भाई हमारे साथ मारपीट हो गई, कोई प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। जो बात मुख्य सचिव ने कह दी वो रामायण का श्लोक है, जो बात मंत्री कहते हैं उसका कोई आधार नहीं, उसको माना नहीं जाता, जिसके वीडियो साक्ष्य मौजूद है उस बात पे कोई कार्रवाई नहीं है, जो मुख्य सचिव कह देते हैं वो गीता का श्लोक हो जाता है। क्या इस प्रकार से दो तरह की न्याय व्यवस्था चलेगी क्या इस देश के अंदर? मुख्य सचिव से मीटिंग राशन के मामले को लेकर हुई। हमारे विधायक उस मीटिंग में इस बात के लिए कह रहे थे कि भाई हमारे क्षेत्र में राशन नहीं बढ़ रहा है, हमारा रिजर्व क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर राशन नहीं बढ़ रहा है तो लोग हमारे घर के सामने आते हैं, जनता वोट देती है विधायकों को, जनता का घेराव झेलना पड़ता है विधायकों को, जनता का विरोध झेलना पड़ता है विधायकों को। राशन को लेकर बात हो रही थी, उस पर बातचीत आपस में बहस के रूप में बदल गई। मैं स्वीकार करता हूं, इसको हमारे विधायकों ने भी स्वीकार किया, बहस थोड़ा गर्मा गर्म भी हो गई, ये भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मारपीट हो गई और उनका चश्मा गिर गया और एकदम उनके साथ हाथापाई हो गई। सिर्फ उनके कहने के आधार पर ये सारी बातें मान ली जा रही है। जो वीडियो फुटेज बाहर आया है जिसमें मुख्य सचिव महोदय आगे जा रहे हैं, नितिन त्यागी उनको पीछे से समझा रहे हैं, उसमें कहीं आपको कोई एग्रेशन दिख रहा है, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी आपको दिख रहा है क्या? कोई गुस्सा, कोई नाराजगी दिख रही जिसमें दिख रहा है उनके साथ मारपीट जैसी घटना हो गई? और मुख्य सचिव माफ कीजिएगा, सामान्य आदमी के साथ ही अगर कोई वारदात हो जाती है तो सबसे पहला काम करता है फोन नंबर डायल करता है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस के थाने में जाके एफआईआर करता है। रात की घटना उनके साथ हो जाती है, सुबह तक वो कुछ नहीं करते हैं, सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग बनाई जाती है, एक षड्यंत्र के तहत पूरे मॉब को इकट्ठा किया जाता है, दिल्ली
सचिवालय के अंदर, जिसमें अधिकारी भी हैं, जिसमें कर्मचारी भी हैं, जिसमें बहुत सारे अज्ञात लोग भी हैं, वो कौन से लोग हैं? भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, कहां के हैं, किस पार्टी से ताल्लुक है उनका?